अरे तुम्ही एकदा ठरवा ठरवा ताई, आम्हाला सांगताना, कारण इथं लॉर्ड्सवर नावं आम्हाला ती दिलेली आहेत ना. हां धन्यवाद सारंग यांचं देखील शुभ आगमन झालं, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. लेग फुलटर स्वतः डान्सिंग डाउन द विकेट ने ऑन साइडला बॅट चा फेस ओपन केलंय. सिंगल मिती सिंगल ने धावसंख्या आता पुढे सरकेल. आदरणीय सारंग सरांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. नवाबजी सारंग या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक प्रवीण दादा पवार यांना मंचावर पाहू शकताय. देवाजी मयेकर सर देखील या ठिकाणी आले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. अनेक मान्यवर इथे दाखल झालेत, सर्वांचं सहर्ष हार्दिकाधिक स्वागत. हा बॉल बॅकफूट वर जाऊन कट करायचा होता, पंच केला आहे, स्ली पॉइंट ला बॉल येते, सिंगल इथे मिळेल. अजित इलेव्हन हा संघ इथे मैदानातून बॅटिंग करतोय. अजित इलेव्हन या संघातून सध्या आपण पाहतोय महेश दळवी, अक्षर राठोड, गणेश फडके, नागेश दळवी, मंदा शिवगन, सुजन भोसले, शुभम अंबरी, मुजम्मिल लांबाडे, बाशित भट्टीवाले, फैजान दरवेश, नरीन दरवेश, सुमित दात आणि मोहफिज दरवेश हे खेळाडू असतील ऍक्शन. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत तिला वॉरियर्सचा संघ. पुन्हा एकदा रिव्हर्स साईडिंग करण्याचा प्रयत्न, यू मिस साय डेफिनेटली हिट, लागला तर आबाद नाही तर बरबाद. इथे परतावर लागेल फलंदाज शुभम अंबरे. ओईटी आउट बॅक टू दी पवेलियन. यस डीजे ते करायचा होता, बॉडी लँग्वेज इथे जाणवते, चेहऱ्यावर स्पष्ट नाराजी. मिस झाला बॉल आणि त्यानंतर विकेट झाले पतन. राकेश राकेश गावडेने पहिल्या विकेटचे इथे पतन करून दिलंय संघाला. आणि त्यानंतर आता माघारी परतावा लागले, नवीन बॅटर येतोय नागेश तळवी, आणखीन एक मोठा खेळाडू मॅन फ्रॉम गावखडी. गावखडी गावाला बिलॉंग करतात हे खेळाडू. आणि सध्या अक्षय राठोडच्या बरोबरने आता नागेश तळवी. वॉरियर्स संघाची चर्चा केली तर चैत मजगावकर सुखवान आहे या टीम मध्ये. त्यानंतर मंदार, श्रुतिक, संकेत, कुलदीप, नीरज, प्रणय, राकेश कापडे, संकेत गाबडे, संजोग आणि आदू ही टीम आहे वॉरियर्स संघाची. पहिल्या विकेटचे ते पतन झाले. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 7, अतिशय चांगली लाईन, खूप चांगला स्ट्रोक सजवला होता. रिव्हर्स स्वीपचा पण त्यानंतरचा रिव्हर्स स्वीप इथे महागात पडला. कवर्सला हवेतून खेळ आहे, फटका चांगला आहे, डीपला फिल्डर नाहीये, बॉल चाललाय दणदण करत बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. बॅटरच्या बॅटमन येतो इथे चौकार. अक्षय राठोडने हा नेत्रदीपक इथे फटका सजवलाय, त्याच्या बॅटमन इथे दाबा येत आहेत लंबाच. एकापी सामना आपल्या संघाला जिंकून देखील दिला. या मॅच मध्ये देखील आपण पाहतोय श्री समर्थ चषक, एक मोठी स्पर्धा, मोठं पारितोषिक, मोठी चषक या स्पर्धेत पाहायला मिळतात. युवा स्पोर्ट्स हे खूप मोठं नाव आहे क्रीडा क्षेत्रातील, एक अग्रनामांकित ब्रँड. प्रवीणदादा पवार अनेक वर्ष रत्नागिरीवासियांची क्रीडा क्षेत्रात सेवा केली आहे. युवा स्पोर्ट्स मुख्य आयोजक आहेत या स्पर्धेचे. समर्थ चषक श्री समर्थ प्रतिष्ठान रत्नागिरी पुरस्कृत युवा स्पोर्ट्स आयोजित श्री समर्थ चषक 2022 दुसरं पर्व दर्जेदार आयोजन. प्रवीणदादा पवार यांच्या बरोबरने चंदनदादा जाधव यांना देखील आपण पाहतोय. सर्वच आमचे क्रिकेटचे निश्चिन भक्त आहेत. क्रिकेट हा पुन्हा भारतीयांचा धर्म झालाय आणि सध्या क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेटमय वातावरण इथे रंगलाय. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणात दाखल होत असताना पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. धावा झाल्यात पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 11, चांगली सुरुवात. एक गड इथे गमावलाय. दुसऱ्या ओव्हरसाठी गोलंदाजी माघार येते. सफवान बागीर मॅन फ्रॉम मजगाव. दुसऱ्या ओव्हरसाठी क्वांटिटी पॉवर प्लेचा पी टू चा षटक इथे आताळेल. पवेलियन इनकडून पहिला बॉल राईट मोठी विकेट स्ट्रायकिंग लाईनला. अक्षय अक्षय जागी हा बॉल आपण बोल केला, बॉल हा वेत आहे पण फिल्डरच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पाहतो. अक्षय राठोडच्या बॅट मधून आणखीन एक धमाका, 6 धावा, 1 DJ षटकार. बाहेर सफवानचं स्वागत इथे षटकाराने केलंय.
सफवानचा हा बॉल थोडासा बाहेर ठिबलाय, बाहेर निघालाय बॉल, आउटसाइड डी ऑफ स्टंपिंग, थोडस बाहेर बॉल येते, डॉट बॉल षटकार ठोकला आणि त्यानंतर सफवानने रणनीती कुठेतरी बदलली आहे। ऑल रत्नागिरीसाठी दोन्ही खेळाडू एकत्र खेळतात, त्यामुळे एकमेकांचा खेळ खूप जवळून माहिती आहे, त्यामुळेच की काय एकमेकांच्या विरोधात गेम प्लॅन करावाच लागेल। हा बॉल अगदी गती वाढवली, बाउन्स केलाय, अनप्रेडिक्टेबल डिलिव्हरी, बीट झाला इथे बॅटर अक्षय राठोड, तो स्ट्राइकिंग इन ला किती एक षटकार त्याने पहिल्या बॉलवर ठोकला, पण तू सफवान सांगतोय मन जोके का नाही साला, षटकार तू मला ठोकलायस पण तू मी देखील कम बॅक करेल, माझ्याकडे देखील सामर्थ्य आहे। अजित इलेव्हनच्या विरोधात निलो वॉरियर्स या दोन संघांच्या दरम्यान हा सामना इथे रंगलाय। आजच्या दिवसातील चौथी मॅच सफवान राईट मोदी विकेटने, सफवानचा हा बॉल आडवा बॅटने क्रॉस बॅटर स्ट्रोक देखील आहे, मिड विकेटला अलॉंग द कार्पेटने बॉल येतोय, फिल्डर दाबील तोपर्यंत सिंगल मिळतीय, इथे सिंगलच मिळेल, एकच रन मिळते। अक्षय राठोड थोडासा नाराज आहे, रडार मध्ये नव्हता बॉल, खेचून आणला होता, आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल खेचून आणला होता, परंतु प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाहीये। सिंगल इथे मिळते, स्ट्रायकिंग इनला पोहोचला बॅटर नागेश दळवी, हा देखील एक मोठा खेळाडू आहे, वन डाऊनच्या रूपाने दाखल झालाय सफवानच्या विरोधात, आता तो इथे बॉल फेस करेल, क्षेत्ररक्षणात बदल, दोन खेळाडू तटीय सर्कलच्या बाहेर, मिड विकेटला काऊ कॉर्नरला, फुला लेनचा बॉल रडार मध्ये होता, लॉफ्ट केलाय, बॉल येतो स्टेट डाउन द ग्राउंड, कॉमेंट्री बॉक्सला सलाम करतोय, नागेश देवीच्या बॅट मधून धमाका, सहा धावांसाठी युजन हॅन्डसम षटकार, एस डी जे सहा धावा। बार सुमंत चव्हाण आमचे लाईव्ह अपडेटर, टेनिस क्रिकेट डॉट टीम साठी मिरकर सर देखील आहेत, तेवढंच चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट करत असताना कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत आपण सध्या पाहतोय गिरीशजी कोचरीकर सरांना, या खेळाडूची भरपूर चर्चा करावी लागेल, दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस, अगदी डाऊन टू अर्थ आहे हा खेळाडू, टेनिस क्रिकेट विश्वात खूप मोठं नाव आहे, परंतु तेवढंच काम तो क्रिकेटच्या पटलाच्या बाहेर देखील करतो, सध्या कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत तीन डोळे असल्यानं माणूस आपल्याला पाहायला मिळते गिरीश कोचरीकर सरांच्या रूपाने, त्यांच्या बरोबर आमचा दुसरा कॅमेरामॅन फैज, अतिशय चांगली क्षणचित्र लाईव्ह टेलिकास्ट इथे केली जाते, तिसऱ्या ओव्हरला होईल सुरुवात, गोलंदाजी माघवर आलाय कुलदीप, कुलदीप अतिशय कमी वयात या संघात दाखल झालाय, रिवर्स इथे अटेम्प्ट केलाय, बॉल बाहेर आहे, बट गॉटर लाईन वर टाकलाय, फॉलो केलं इथे बॅटरला, अक्षय राठोड माहिती आहे खूप मोठा खेळाडू आहे, याच्या स्लॉट मध्ये टाकला बॉल तर नक्की मोठं आक्रमण होईल, म्हणूनच बाहेर टिपला बॉल, बॉल चालला इथे डॉट बॉल, नॉन स्ट्राइकिंग गेमला नागेश काय षटकार इथे ठोकला, अगदी कॉमेंट्री बॉक्सला सलाम करणारा, मानवंदना देणारा षटकार त्याने दाखवलाय, त्यानंतर आता नॉन स्ट्राइकिंग गेमला कुलदीप इथे नेक्स्ट बॉल, खराब बॉल, सिग्नल येते नो बॉल, खराब
खराब गोलंदाजी बीमर इथे टाकलाय. उघडा डोळे बघा नीट, कारण नेक्स्ट बॉल असेल आता फ्री हिट. 2007 ला क्रिकेटच्या पटलावर पहिल्यांदा फ्री हिटचा जन्म झाला. त्यानंतर क्रिकेटमध्ये गोलंदाजासाठी कुठेतरी धोक्याचीच घंटा. फ्री हिटला आता काय घडेल, कारण फ्री हिटचा बॉल स्ट्रायकिंग इनला इथे फेस करेल अक्षय राठोड, जो एक मोठा खेळाडू आहे. परंतु क्रिकेटच्या पटलावर काल तुम्ही हिरो होतात म्हणजे क्रिकेट, आज तुम्ही विलन होऊ शकता म्हणजे क्रिकेट. काल तुम्ही काय केलं याला महत्व नाहीये, आता तुम्ही काय करताय क्रिकेटच्या मैदानात याला महत्व आहे. त्यामुळे या बॉलवर काय करेल अक्षय हेच पाहायचं असेल मैदान खेळाव्यासाठी कणी संघातील खेळाडूंना. आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाला, लोअर फुल टॉस होता, प्रॉपर टायमिंग, फिड विकेटला बॉलला फेकून दिलाय. सहा धावा साडी घनाघात प्रेश करतोय. अक्षयच्या बॅट मधून मोठा तडाखा, सहा धावा. नागेश दळवी आणि महेश दळवी ही दोन सख्या बंधूंची जोडी या मॅचच्या दरम्यान अजित इलेव्हन संघासाठी खेळताना आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु नेक्स्ट बॉल कुलदीपचा यावेळी रिव्हर्सचा टीम केलाय, प्रॉपर टायमिंग नाहीये. शॉर्ट कव्हरला बॉल चालला, तिथे सिंगल मिळेल. चांगली फिल्डिंग, अंपायर सिग्नल आला, पुन्हा एकदा काहीतरी चूक इथे घडली आहे. नो बॉलचा इशारा गोलंदाजाच्या शैलीवर इथे घेतलाय आक्षेप, म्हणजे आता पुढचा बॉल देखील असेल फ्री हिट. काय घडेल इथे, गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप इथे घेतलाय, बंदित केलंय पंच अक्षयजी कोंबेकर सरांनी. आणि आता नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे आमचे दोन्ही मान्यताप्राप्त पंच अनेक वर्ष अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये पंचांची भूमिका पूर्ण करतात. प्रत्येक गोष्टीवर, प्रत्येक घडामोडीवर इन फील्ड त्यांचं लक्ष असतं. लगेच त्यांनी इथे दंडित देखील केलाय. स्क्वेअरलीग पंचांच्या भूमिकेत तुम्ही पाहू शकता विश्वनाथ लिंगायत सर आडिवरी गावाला बिलॉंग करतात. तेवढे चांगले क्रिकेटर्स देखील आहेत, हे दोन्ही खेळाडू देखील आहेत. परंतु पंचांच्या भूमिकेत देखील आपण पाहतोय. परंतु सध्या आपण पाहतोय आमच्या समालोचन कक्षाच्या अगदी समोर प्रवीण दादा पवार सध्या मुख्य अतिथी कक्षात, ते देखील विराजमान होताना पाहायला मिळतील. अनेक आमचे मान्यवर इथे दाखल झालेत. सध्या आमच्या चषकांच्या कक्षात देखील आपण पाहतोय चंदन दादा जाधव आदरणीय सारंग सरांच्या सोबत चर्चा करतात. कारण ही स्पर्धा आता खूप मोठ्या उंचीवर पोहोचली आहे. दुसऱ्या पर्वात काहीतरी नवीन देण्याचा मानस इथे दाखवला गेला. फ्रीचा बॉल ऑन साईडला फक्त दिशा दिली, बॅटचा फेस इथे ओपन केला, मिड ऑन ला बॉल येतोय काऊ कॉर्नर रिजनला. इथे क्षेत्ररक्षक दाबेल तोपर्यंत सिंगलच मिळते. याआधीच्या फ्री हिटचा बॉल अक्षय राठोडने षटकार ठोकला होता, परंतु इथे नागेशने सिंगल घेतली आहे आणि सिंगलने आता धावसंख्या स्कोर बरोबर 38 रन्स, 38 लॉस ऑफ वन विकेट. तिसरा षटक संकेत आलाय. कुलदीपच्या जागी आता संकेत. आउटसाइड ऑफ स्टंप स्टीप आउट झाला होता बॅटर अक्षय, ते वाईट यॉर्कर कर टाकलाय, फॉलो केलंय बॅटरला. त्यानंतर बेट झाला, हा बॉल असली ती डॉट बॉल. धावा इथे आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर आल्या 38 रन्स. अक्षय राठोड आतापर्यंत खेळतोय 16 या धावसंख्येवर, दोन षटकात त्यांनी ठोकले. त्याच्याबरोबर आहे नागेश दळवी जो दोन चौकार आणि एका षटकाराच्या निश्चित खेळतोय 15 या अंकावर. बहुतेक 15 नागेश दळवी, तर दुसऱ्या बाजूला 16 धावांवर अक्षय राठोड. अक्षयसाठी हा बॉल स्विच इट इथे खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल चाललाय निर्धाव, बीट झालाय, कमबॅक इथे केलंय. तडमांच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, अयशस्वी प्रयत्न इथे पाहायला मिळतोय. रन इथे मिळत नाहीये, डॉट बॉल इथे केलाय कुलदीपच्या नंतर. इथे संकेत चांगली गोलंदाजी करतोय, याआधी स्विच इट करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे काय घडलंय, बॅटची कडाई इथे घेतली आहे, इथे परतावं लागेल. खराब टेम्परामेंट, सातत्याने रिव्हर्स स्वीप इथे खेळायचा होता, परंतु बॅटची कळा घेतली, अस्थिर रक्षकाने कल्पकता दाखवली आहे आणि त्यानंतर इथे कॉट बी एन डी विकेट, परतावं लागेल. अस्थिर रक्षकाने स्टीफन चिल इथे टिपला आणि आता अक्षय राठोडची खेळी येते संपुष्टात. दुसरा धक्का बसतो इथे अजित इलेव्हन संघाला.
पक्षी राठोडच्या रूपाने दोन गडी बाद त्यांची टोटल सध्या स्कोर 238. सध्या गोलंदाजी मागवर दाखल झाला आहे. दुसरे षटक आतावले होते. चौथ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मागवर. सफानच्या हातात चेंडू. इथे सुपरला स्ट्रायकिंग इनला सील. नागेश तळवी. नॉन स्ट्रायकिंग इनला मुजम्मिल लांबाडे. एक मोठा खेळाडू आहे. ऑलराउंडर आहे. गोलंदाजी देखील चांगली करतो आणि आता या मॅच मध्ये बॅटरच्या भूमिकेत असेल. फार वेळ खर्च करू नका. प्रति गोरसाठी तुम्हाला एक ठराविक टाइम दिलेला आहे आणि तेवढ्या टाइम मध्ये तुम्हाला पूर्ण इनिंग देखील कम्प्लीट करायची आहे. प्रत्येक इनिंग साठी एक ठराविक टाइम लिमिट दिलाय. सफवान पहिला बॉल. फुलल्लींचा बॉल. लोड फुलटस होता. गलीमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक दाबील. तोपर्यंत सिंगल इथे मिळते. एकेरी दाबेवर इथे संतुष्ट व्हावं लागतंय. धावसंख्या एकने पुढे सरकते. टीमची टोटल आता स्कोर बोर्डवर 39 दाबा. चौथा षटक. सफवान बारगीर. त्याच्या समोर असेल आता स्ट्रायकिंग मुजम्मिल लांबाडे. यंदाच्या हंगामात हा खेळाडू सर्वाधिक चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. आव्हान असेल सफवानच्या समोर. पण तो सफवान देखील तेवढाच दर्जेदार खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. सफवानचा हा बॉल थोडासा बाउन्स झाला. ऑन साइडला ड्राईव्ह केला. मिड विकेटला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतो. तोपर्यंत सिंगल इथे मिळेल. सिंगल वर थांबावं लागेल. एकेरी बाबीने धावसंख्या आता पुढे सरकली. टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर 40 रन्स. प्रत्येक चेंडूची अतिशय योग्य अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. दर्शनताई पवार. सुनमताई चव्हाण यांचं निरकर सर. प्रत्येक चेंडू तेवढी चांगलीच कल्पकता ते देखील दाखवतात. सफवान षटक क्रमांक 4 आउट. कोणते विकेट ने हा बॉल. हा प्रकार होता. विकेट करायचा होता. बॉल आहे. हा वेत आणि ते आणखीन एका विकेट च होईल पटन. कॉट बियॉन्ड द विकेट चा बळी ते ठरला. नागेश तळवे ओलिटी आउट. बॅक टू दी पवेलियन. यस जी. निलोवारी संघासाठी स्वतः संघनायक सध्या यष्टी रक्षकाच्या भूमिकेत आहे. त्याने टिपले दोन जेल. चांगली कामगिरी. सफवान नेक्स्ट बॉल. अकुटप्पाचा बॉल. डान्सिंग टाउन विकेट ने ऑन साइड ला खेळ आहे. काऊ कॉर्नरला फिल्डर आहे. सिंगल इथे मिळेल. एकच रन मिळणार आहे इथे आणि त्यामुळे एका दाबेवर समाधानी व्हावं लागेल. सिंगल इथे मिळते. सिंगलने धावसंख्या आता पुढे सरकली. टीमची टोटल आता स्कोर बोर्डवर 41 रन्स. 41 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. चांगली सुरुवात इथे झाली होती. शुभम मांबरे स्विच इट खेळायचा होता परंतु त्यानंतर तो क्लीन बॉल झाला. त्यानंतर अगदी त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून स्विच इट खेळत असताना स्कॉट बँड विकेटने
पक्षी राठोड देखील डकआउट मध्ये परतलाय, परंतु त्यानंतर नागेश दळवीची विकेट देखील इथे घेतली गेली. सफवानने ते कमबॅक करून दिले, पाच बॉल आतापर्यंत टाकलेत, तीन धाबा खर्च केल्यात, एक विकेट त्याने इथे घेतली. इथे चांगली गोलंदाजी, हे षटक खूप निर्णायक ठरले. मी आता स्ट्राइक इंग्लंडला या षटकात लास्ट शेवटचा बॉल इथे फेस करेल गणेश फडके. डावखुरा आताचा खेळाडू गणेश सडीव, हा बॉल फुलंदींचा बॉल दिशा दिली, मिड ऑफ ला फिल्डर येतोय, ऑफ ड्राईव्ह इथे दाखवला, सिंगल मिळते, सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल, टीमची टोटल 42 आणि आता षटक संपुष्टात येतो इथे चौथं. चार षटकांचा कीर्ती संपलाय, 42 धावा स्कोर कार्डवर. करंट रन रेट जर आपण पाहिलं तर 10.50 आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु शेवटची दोन षटक खूप महत्वाचे असतील. या आधीच्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं, सकाळ सदरातील मॅच मध्ये तब्बल 88 धावा देखील बनवला गेला होता. प्रत्युत्तरात देखील खेळत असताना सिंधुकुडी अडचणीत सापडला होता, प्रवाहाचा धक्का मिळाला, परंतु या मॅच मध्ये देखील आता किती मोठे टार्गेट सेट केलं जाईल. आजच्या दिवसातील चौथी मॅच, प्रत्येक दिवशी एक संघ क्वालिफायर म्हणून दाखल होईल आणि त्यानंतर अंतिम दिवस असेल 2 एप्रिल 2022. कोण ठरणार दुसऱ्या पर्वाचा महा अंतिम विजेता? चार षटकांचा कीर्ती संपलाय, राकेश येतोय, राकेश गावडे. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये पीबनचं षटक हाताळलं होतं, 11 धावा तिथे खर्च केल्या, त्यानंतर आता पुन्हा एकदा विश्वास इथे दाखवला गेलाय षटक क्रमांक 5 साठी. तर दुसरा इंग्लंडला असेल, त्याच्या विरोधात गणेश फडके. थोडस फास्ट खेळावं लागेल, ऑन फील्ड पंचांना विनंती आहे, आपण थोडस सूचना द्या. इथे फुलंदींचा बॉल होता, त्याच्यावर हल्ला चढवलाय, स्लॉग स्लिपचा दणका इथे दाखवून दिला, गणेश फडकेच्या बॅट मध्ये येतोय धमाका, 6 धावांसाठी षटकार. चांगली फिल्डिंग इथे करतोय, तोपर्यंत सिंगलच इथे कम्प्लीट होत. या दुसऱ्या धावासाठी गणेश प्रयत्न करतोय, परंतु जमिनीतून नकार देतोय. एक धावसंघाच्या खात्यात जमा होईल धावसंख्या, त्या स्कोर कार्डवर 49 धावा, 49 ऑन बोर्ड. अतिशय महत्वपूर्ण लढत, पाचव्या षटकाचा किती सुरू आहे. गोलंदाजी मागवर राकेश घापडे, पहिल्या बॉलवर इथे हल्ला चढवला गणेश फडकेने, त्यानंतर सिंगल इथे खर्च केले, कमबॅक करतोय तो, पण आता स्ट्राइकिंग इंडला असेल मुजम्मिल लांबाडे, त्याच्यासाठी असेल हा नेक्स्ट बॉल. क्षेत्ररक्षण इथे बदललं जात आहे, लॉंग ऑन येते तैनात, लॉंग ऑफ इथे लागला गेलाय, त्यानंतर आपण पाहिलं तर मिडॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवला गेलाय, शॉर्टमेट विकेट रिजनला. हा बॉल डान्सिंग दमदे विकेटने टाकला गेला, बस सिग्नल येतोय, नो बॉल. काहीतरी घडतंय, काहीतरी बिघडतंय. गोलंदाजाच्या शैलीवर इथे आक्षेप घेतला, म्हणजे पुढचा बॉल असेल फ्री हिटचा, दोन धाबा इथे मिळतील. राकेश गावडेच्या शैलीवर इथे आक्षेप घेतला, म्हणजे आता हा गोलंदाज देखील होईल या मॅच मध्ये बंद. गोलंदाजांच्या शैलीवर आक्षेप घेतला जातोय, या स्टेडियमचे पंच जाणले जातात, अतिशय कल्पकतेने दाखवतात, प्रत्येक निर्णय खूप चांगल्या पद्धतीने दिला जातो. अक्षयजी कोंडेकर सर आणि त्यांच्या बरोबर विश्वनाथ जिलिंगा सर मुख्य पंचांच्या भूमिकेत सुद्धा अक्षय कोंडेकर सरांना आपण पाहतोय, तर स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आहेत विश्वनाथ लिंगा सर आणि आता नवीन गोलंदाज दाखव होईल. तर गोलंदाजीच्या दिशेने संकेत येतोय, धावा झाल्यात स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 51 धावा, 51 लॉस ऑफ 3 विकेट्स.
पाचव्या षटकाच्या दरम्यान 51 धावा स्ट्रायकिंग लीडला गणेश पडके नॉन स्ट्रायकिंग लीडला मुजम्मिल लांबाडे गोलंदाजाला इथे दंडित केलं म्हणजे हाफ बॉल असेल आता इथे फ्री हिट फ्री हिट चा बॉल गणेश फडकेसाठी हा बॉल ऑन साइडला प्रॉपर टायमिंग जोतो 71 हो काय स्ट्रोक इथे सजवलाय अतिशय चांगला फटका ऑन साइडला दिशा दिली स्पिन लेग च्या डोक्यावरून डीप स्पिन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांचे घेते जाणला जातो या टीम मध्ये अनेक वर्ष तो खेळतोय षटकार त्याने ठोकला आणि त्यानंतर आता टीमची टोटल स्कोरबोर्ड वर 57 धावा तीन गडी बाद 57 विस्फोटक फलंदाजी केली जाते फ्री हिट चा बॉल त्याच्यावर मोठा प्रहार सडक ते कडक पुन्हा एकदा अंतिक्ष वर्षाठी सज्ज होईल हा बॉल देखील उडवला पण तो यावेळी क्षेत्ररक्षक इथे सोडणार नाहीये कौकाने रिजनला घेतलाय जेल बॅटरचा संपेल के चौथ्या विकेट चौथे पतन बॅटर गणेश फडके बॅक टू दी पवेलियन आउट इज डीजे नवीन बॅटर इथे दाखल झालाय महेश दळवी इन ऍक्शन असेल नॉन स्ट्रायकिंग लीडला इथे दाखल झालाय चार गडी बाद धावा झाल्यात स्कोर बोर्ड वर 57 धावा चांगली इनिंग इथे पेश केली होती गणेश फडके ने त्यानंतर तो बाद झालाय चार बॉल मध्ये 13 धावा होती त्याने काढल्या इथे फटका चांगला एक बसला क्षेत्ररक्षक दाबेल पण तो त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय बॉल चार धावांसाठी शानदार दमदार येतो चौकार एक षटकार त्यानंतर विकेट चमकार आणि आता मुजम्मिल तयार होईल यावेळी डान्सिंग डाऊन विकेट ने बॉल हवेत खेळला डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक दाबेल यावेळी देखील बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मुजम्मिलच्या बॅट मध्ये येतोय आणखीन एक मोठा फटका 6 धावांसाठी षटकार शेवटचा षटक पहिला बॉल प्लॉप केलाय बॉलला बाडवलाय डीप बॅक वर स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर महेश दळवीच्या बॅट मधून मोठा धमाका षटकार
ठोकलंय, षटकार इथे ठोकलाय. महेश दळवी रत्नागिरीच्या क्रिकेटमधलं एक मोठं नाव. पहिला बॉल फेस करत असताना मोठा फटका इथे खेळला, बॉल हवेत मॅन्सलँडमध्ये पडेल. सिंगल इथे कंप्लीट आणि लगेच दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी पूर्ण केला जातोय. दोन धावा इथे मिळत आहेत, दोन धावाने धावसंख्या पुढे सरकेल तुमची टोटल स्कोर बोर्ड वर 75 धावा 75 4 विकेट. श्रुतिक षटक क्रमांक 6 पहिल्या डबाचा खेळ ते सध्या रंगला. गेलो वॉरियर्सच्या विरोधात आपण पाहतोय अजित 11. या दोन संघांच्या दरम्यान ही लढत इथे पाहायला मिळते. श्रुतिक श्रुतिकचा हा बॉल अर्धा बॅटने किंवा क्रॉस बॅट स्टोक मिड विकेटला डीप मधून क्षेत्रक्षक दाबेल तोपर्यंत दुसरी धाव इथे पूर्ण केली जाते. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. मुजम्मील आणि त्याच्या बरोबरने महेश दळवी जो स्ट्रायकिंग गेटला खेळतोय. महेश दळवी यासाठी जाणला जातो, धावा तो फार वेगाने पूर्ण करतो. अतिशय चपळ खेळाडू म्हणून आपण पाहिलं महेश दळवीला अनेक वर्ष खेळताना. एक धाव पूर्ण करून लगेच दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तो दाखवतो. अतिशय चांगली दृष्टी देखील पाहायला मिळते. इथे फुलेलांचा बॉल लॉंग स्टॉपला चालला आहे, सिंगल इथे मिळेल. शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि पंचांचा निर्णय येतो. हा इथे अन्य बॉल क्राफ्टिंग प्रामेंट गोलंदाज कुठेतरी चूक करतात आणि त्यानंतर आता नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. दोन धावा इथे मिळत आहेत, दोन धावाडी धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली. आता 79 अंकावर स्ट्रायकिंग गेटला मुजम्मील फ्री हिटचा बॉल रडार मध्ये टाकला होता ऑन साईडला, हा बंबूल केला, बॉल चाललाय सक्सेसफुल होऊन डी स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. विस्फोटक अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स. प्रत्येक खेळाडू ते अटॅक करतोय. बॅटर प्रत्येक बॅटरने आपली क्षमता इथे सिद्ध केली. धावसंख्या आपण पाहिली तर आता येऊन पोहोचले तब्बल 85 अंकावर. तब्बल 85 धावा इथे बनवला गेल्या. शेवटचं षटक इथे मार्गस्थ आहे. श्रुतिक जो गोलंदाजी करतोय मुजम्मीलसाठी हजार. हा देखील मोठा फटका हवेत केला. एम एस टॉमिंग यावेळी क्षेत्ररक्षक आहे, ते झेल घेतलाय. लॉंग ऑन मध्ये खूप चांगला जेल होती टिपलाय कौकर्ण आणि लॉंग ऑन दाखल झाला. बासित बत्ती वाले जॉन स्ट्रायकिंग लास्ट स्ट्रायकिंग इथे महेश दळवी सज्ज होईल. 85 धावा 5 कडी 5. श्रुतिकचा हा बॉल महेशसाठी अक्रॉस ड्रॉईंग खेळण्याचा प्रयत्न दूर झालाय. शेवटी पॅडवर इथे आदला सिंगल इथे घेतली आणि आता दुसऱ्या धावेसाठी होईल प्रयत्न. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज असतील इथे सुरक्षित. सिग्नलला लेग बाईज दोन डावा इथे मिळतील आणि आता पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड वर 87 धावा 88 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेले. दहाव्या स्कोर कार्ड वर अक्षर राठोड या पद्धतीने बॅटिंग.
खेला बाबर बोलर मिलते रंजन का प्रयास रन आउट का खतरा हो सकता है और इस समय की विकेट गिरता हुआ खतरे की घंटी बज रही थी रन लेना चाहते थे पहली गेंद पर विकेट गिरता हुआ सुमधुर संगीत बजता हुआ गॉन था हालांकि बापर फील्डर ने काफी शानदार तरीके से फील्ड किया था गणेश फड़के बापर है उनके साथ में शुभम मेमरी को हम देख रहे कवर में शॉर्ट कवर में फील्डिंग कर रहे और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाजी इस समय की जज मजगांव करें अपने बल्लेबाज सुन चुके दूसरी गेंद ग्राउंड सर के क्षेत्र में खेला बापर फील्डर में भी देख आउट करने में दीवार पहुंच रहे जब तक कि एक रन मिलता हुआ एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर जा रही है जिस प्रकार से नियमित देख रहे हैं समर्थ जैसे 2022 का ये टूर्नामेंट है समर्थ प्रतिष्ठान रत्नागिरी से पुरस्कृत किया हुआ ये टूर्नामेंट युवा स्पोर्ट के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है दूसरे पर्व का पहला दिन भारत के खिलाड़ी स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज संजोग ईश्वर की अगली गेंद का सम्मान करेंगे रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर फुलटस वाली गेंद आंसर के क्षेत्र में खिलाड़ी बल्ले से खिलाड़ी में विलंब मौजूद है काउ कॉर्नर के खिलाड़ी शुभम अमरे गेंद पर पहुंच रहे तब तक एक रन के ऊपर संतुष्ट रहे एक रन के साथ स्कोर में बढ़त रन संख्या 2 रन 88 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए पूरा करना है नीलो वॉरियर्स की टीम को जयत मजगावकर इस समय के स्ट्राइकिंग गेंद पर मैच दलवी की यह गेंद थी बड़ा स्ट्रोक पर मैच खेलना चाहते थे लेकिन हालांकि संतुलन में नहीं थे उसके बाद एक हल्का सा स्ट्रोक यहाँ पर खेलने के बाद 1 रन देते हुए 1 रन के साथ रन संख्या आगे निकलते हुए 3 रन पावर प्ले का पहला ओवर जारी है भारत के खिलाड़ी इस समय स्ट्राइकिंग गेंद पर संजोग है इनके पास क्षमता है अपने आप को साबित करने की जरूरत है महेश दलवी की यह गेंद काफी शानदार गेंद थी ओवर पिच गेंद टिप पकड़ने के बाद विकेट के ऊपर से गेंद सीधी विकेट की पर अक्षय राठौड़ की दस्ताने में जाते हुए यहाँ पर रनों की कोई गुंजाइश नहीं है बिंदी की गेंद और इसके बाद की बीट हो चुके 88 रन एक बड़ा लक्ष्य है 88 रन बना नहीं इस मैच को जीतने के लिए फिर से एक बार महेश दलवी ईश्वर की अगली गेंद इससे में गेंद को आंसर के क्षेत्र में खेला पेपर स्क्वायर लेग में गेंद जाती थी लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में गेंद चली गई थी वहां पर गणेश फड़के ने गेंद को फील किया तब तक 1 रन मिलता था पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होता था पावर प्ले के पहले ओवर की समाप्ति के बाद 88 रनों का पीछा करते हुए रन संख्या 4 रन 1 विकेटों के नुकसान पर नीलो वॉरियर्स टीम इस समय की दूसरे पारी में 88 रनों का पीछा कर रहे हैं अब तक की केवल मात्र रन है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुलदीप जो आउट हो चुके थे रनआउट के रूप में पहली गेंद पर रन लेना चाहते थे वहां पर विलियन ने काफी शानदार तरीके से गेंद को फील्ड किया था उसके बाद की रनआउट हो चुके थे तो कहीं ना कहीं पर अब थोड़ा सा दबाव है क्योंकि मोमेंटम बन रहा है 88 रनों का बड़ा लक्ष्य है इस लक्ष्य को अगर पार करना है तो पावर प्ले में रन बनाने की जरूरत है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दो खिलाड़ी तटीय दायरे के बाहर रहेंगे उनके ऊपर से अगर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं पर मौका है अब मौका है देखना है दूसरे ओवर में किस प्रकार से इस मैच का हाल होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर मुजम्मिल लांबाड़े इस खिलाड़ी ने सबसे प्रभावित किया है इस साल काफी अच्छे फॉर्म में खेल रहे और इनका फॉर्म बरकरार रखने की जरूरत है क्योंकि इनके पास क्षमता है क्षमता वाले खिलाड़ी है काबिलियत वाले खिलाड़ी है अपने आप को साबित करने की जरूरत है स्ट्राइकिंग गेंद पर रहेंगे संजोग जो भारत के खिलाड़ी है और नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर है स्वयं कप्तान जयंत मजगांवकर इनके पास भी क्षमता है ये बड़ा बैटल है बड़ी मैच है क्योंकि ये बड़ा मंच है चषक 2022 का ये टूर्नामेंट है पहली गेंद विक्टर से बाहर जा रही है टिप्पणा खाने के बाद बाहर जाते हुए गेंद अंपायरों का इशारा आता था वाइड का करार अतिरिक्त रूप में 1 रन बढ़ता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या अभी निकलती हुई 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं पर यह संतोष शुरुआत है लेकिन यहां से कमबैक करने की जरूरत है क्या कमबैक कर पाएंगे यदि फुलन लेने वाली गिनती अपड्रॉ या फिर क्या मेडॉक में फील्डर मौजूद है गणेश फड़के गेंद को उठा रहे तब तक 1 रन पूरा कर चुके हैं
एक रन के साथ अग्रण संख्या आगे जाते हुए कुल मिलाकर 6 रन। इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पर जोखिम लेने की जरूरत है क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को अगर पीछा करना है तो इसके बाद की सेकेंड राउंड के मैचेस यहां पर आरंभ होंगे। लक्ष्मी कुमार भाटी हुए और उनके खिलाफ रहेंगे तेजा स्पोर्ट्स की टीम। दोनों कप्तान इनसे विनती करना चाहेंगे टॉस के लिए कौन बॉक्स के सामने आ जाए। लक्ष्मीकांत भाटिया और तेजा स्पोर्ट्स के कप्तान हमसे विनती है कि आप लोग कृपया टॉस के लिए कौन बॉक्स के सामने आ जाइए। फिर से एक बार जंबी रटिंग और भी विकेट से इस समय गेंद मैजिक करो डांसिंग डाउन विकेट से खेला, गेंद हवा में है, वहां पर फील्डर में जूते है, वहां पर कैच छूटा हुआ मौका था, उसके बाद की कैच को छोड़ा है। नागेश दल भी वहां पर थे, उन्होंने कैच को छोड़ा है। खराब फील्डिंग, हवा में खेलना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद थी, उसके बाद की खराब टेम्परामेंट, मिसफील्ड होता हुआ, खराब फील्डिंग, कैच छूटा हुआ, अब यहाँ पर जीवन दान मिल चुका है। कहीं ना कहीं तुम जोखिम लेना चाहते हो स्वयं कप्तान जयत, क्योंकि जरूरत है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य का पीछा करना है तो कहीं ना कहीं पर बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है, जोखिम लेने की जरूरत है। यदि फील्डर लेने वाली गेंद थी मिड विकेट क्षेत्र में जाती थी, गेंद शॉर्ट स्पेयर लेग क्षेत्र से वहां पर फील्डर आ रहे, उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक एक रन मिलता था, एक रन के साथ संतुष्ट हो रहे, एक रन के साथ रन संख्या आगे निकल रही 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। मजम्मिल लांबाड़े बल्लेबाजी काफी शानदार की थी, उसके बाद के गेंदबाजी में भी अपना कहीं ना कहीं पर करिश्मा दिखा रहे हैं, कमबैक कर चुके हैं, अपनी टीम के लिए एक काफी महत्वपूर्ण योगदान इस समय वो दे रहे। इस समय डांसिंग डाउन विकेट से जरूर खेला है, फील्डर है वहां पर, चौड़ एक्स्ट्रा कवर गेंद लग, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे रनआउट का खतरा था। इसी के साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में अब बीच मैदान में बाहर रहेंगे जेड मजगान को, अब वापस आना होगा दूसरा। गिरता हुआ लगभग 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरते हुए नीले ओवरियर्स के बल्लेबाज संजोग को यहां से वापस आना पड़ेगा। छह छक्के भी जड़ा है तो अब इस मैच में कहीं ना कहीं पर इनको उसी तरीके से करिश्मा करने की जरूरत है। इस समय स्ट्राइकिंग गेंद पर है, तीसरा ओवर यहां पर, दूसरा ओवर यहां पर जा रहे हैं, हल्के से गेंद को कट किया, पॉइंट क्षेत्र में जाती थी गेंद, वहां पर फील्डर ने उस जल्दी गेंद को उठा रहे, तब तक एक रन मिलता था, अब एक रन के साथ इस दूसरे पर का यह दूसरा ओवर समाप्त होता था। ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर 9 रन। अब कहीं ना कहीं पर दबाव है, जिस प्रकार से बल्लेबाज खेल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते वहां पर भी असफल हो रहे, तो यहां से कुछ अलग करने की जरूरत है। अभी तो 24 गेंदों का खेल शेष है, 24 गेंदों पर अगर यहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां से जीतने के लिए अब 79 रनों की जरूरत है, क्योंकि 88 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए रखा है। अभी भी राकेश गावड़े हैं, बहुत सारे बैटर्स हैं डगआउट में जिनके पास क्षमता है, लेकिन यहां से कमबैक करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पर यह टारगेट आसान हो सकता है, लेकिन एक बल्लेबाज को जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने की जरूरत है, लंबे स्ट्रोक खेलने की जरूरत है, छक्के चौके लगाने की जरूरत है,
तेज ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज पहुंच चुके हैं शुभम नंबर एक यंगस्टर खिलाड़ी है। इन्होंने लगातार पिछले कई सालों से प्रभावित किया है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी इस समय के देखने को मिल रहे मुजम्मिल लांबाड़ है। वो बल्लेबाजी कर चुके, उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की है, तो कहीं ना कहीं पर इन्होंने इस टूर्नामेंट के पहले दिन में प्रभावित किया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी गेंदबाज यहाँ पर मौजूद हो चुके शुभम नामरे, उनके सिस्टर हमने स्ट्राइकिंग गेंद पर मंदार नंबर के लिए पहली गेंद पहली गेंद उठा कर खेला है, स्ट्रेट इन द ग्राउंड खेला है। दो खिलाड़ी थे उनके बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए खराब फील्डिंग, छोटी सी दरार। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद राइट नंबर विकेट से, ये खराब गेंद है, अब कहीं ना कहीं पर दबाव है। पहली गेंद पर चौका आया था, उसके बाद की खराब गेंद बाइट का इशारा मिलता था, तो थोड़ा सा पिछली गली से निकलना चाहते थे, गेंद को बाहर रखा था। टिपा खाने के बाद विकेट से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा था वाइड की, वाइड बॉल का, और वाइड के रूप में रन आते हुए अब रन संख्या पहुंच चुके हैं कुल मिलाकर 14 रन। फिर से एक बार शुभम राइट नंबर विकेट से मंदार के लिए ईश्वर की अगली गेंद, ये रडार में गेंद थ्रो में स्टैंडिंग किया है, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, उसके बाद की नियम मिलन जा रहे हैं। स्लैंग में गेंद गिरने के बाद वहां पर एक रन मिलता था, एक रन के साथ रन संख्या आगे निकलती हुई 15 रन 88 रनों का लक्ष्य। कहीं ना कहीं पर यहां से कमबैक करने की जरूरत है, मोमेंटम है उसको बनाने की जरूरत है, मोमेंटम को शिफ्ट करने की जरूरत है। पहली दो रन में अगर देखा जाए तो गेंदबाजों ने इस मैच में मोमेंटम बना रखा, अब बल्लेबाजों को इस मोमेंटम को शिफ्ट करने की जरूरत है। तो टॉस के लिए आ जाए तेजा स्पोर्ट्स के कप्तान, आपसे विनती करना चाहूंगा जल्दी जल्दी टॉस के लिए पहुंचाओ। एक रन मिलता हुआ सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार से खेल रहे कहीं ना कहीं पर क्षमता है। राकेश गौड़े भी है जो कि इस समय डकआउट में है, उनके पास भी क्षमता है, वो एक बड़े खिलाड़ी है लेकिन अभी भी डकआउट में है। लेकिन बीच मैदान में मंदार नायकर है, इन्होंने कई बार बड़े करिश्मे कर दिखा है, इनके पास क्षमता है, अपने आप को साबित करने की जरूरत है क्योंकि ये बड़ा मंच है, बड़े मंच पर सरपंच बनने का मौका है, क्या बना पाएंगे बहुत सारे सवाल है। शुभम की ये गेंद थी बाहर जा रही है, टिप पकड़ने के बाद बाहर जा रही है लेकिन विकेट से नजदीक से जा रहे आउट साइड ऑफ स्टंप सफल हुए थे और उसके बाद खेलना चाहते थे और सफल रहे, गेंद जा रही है विकेट के पीछे, विकेट कीपर के दस्ताने में बिंदी के रूप में। अभिजीत इंदुलकर आपसे विनती करना चाहूंगा कि जल्द की जल्द अब टॉस के लिए यहाँ पर पहुंचे, इसके बाद क्या पेनल्टी के लिए पात्र हो जाएंगे। उठाकर खेला है गेंद हवा में, क्या इस समय कैच होगा, फिर से एक बार कैच को हम मुक्का मिल है और उसके बाद की दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर जारी होता हुआ, दो रन मिलते हुए खराब थे, उसके बाद की दो रन पूरे होते हुए नागेश दल भी कहीं ना कहीं पर संघर्ष कर रहे बीच मैदान में, उनसे कुछ गेंदे छूट रही है, अब वो कहीं ना कहीं पर दिक्कत यहाँ पर बीच मैदान में निर्माण कर रहे। दो रन मिलते हुए दो रन के साथ रन संख्या आगे निकलते हुए कुल मिलाकर 18 रन हमारे साथ स्कोरर का रोल अदा कर रही है, दर्शन देवी पवार इस समय की स्कोरर का रोल अदा कर रही है। ये गेंद विकेट से बाहर जा रही है, अंपायर का सिग्नल आता था वाइट बॉल का और पिच गेंद चलना चाहती थी, वाइड यॉर्कर जाना चाहती थी, जड़ में गेंद करने का प्रयास था और सफल रहे, कहीं ना कहीं पर बाहर जा रही है गेंद। शुभम अंबे अब यहाँ पर गलती से मिस्टेक कर रहे हैं, वाइड का कर रहा था और उसके बाद किरण सिंह आगे निकलती थी, कुल मिलाकर 19 रन 88 रनों का लक्ष्य। इसके बाद की सेकेंड राउंड यहाँ पर आरंभ हो गया, फिर से एक बार खराब गेंदबाजी, बैक टू बैक की खराब गेंद, कहीं ना कहीं पर अपने आप को साबित करने में असफल हो रहे हैं, दबाव है उनके पास, उनके ऊपर दबाव है जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे, खराब गेंदबाजी, कहीं ना कहीं पर दिशाहीन गेंदबाजी करे, अतिरिक्त रन खर्च करे, ये अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं पर महंगे साबित हो सकते हैं। अजीत 11 की टीम इस समय बल्लेबाजी गेंदबाजी करे, फिर से उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर में खेला, फील्डर वहां पर जा रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करे एक रन पूरा किया है, दूसरी की कोई मांग नहीं है, जिस प्रकार से खेला था एक्स्ट्रा कवर में गेंद जा रही थी, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को काफी शानदार तरीके से रुका, वहां पर फील्डिंग कर रहे इस समय सुजन भोसले थे वहां पर जिन्होंने गेंद को रोका था। उसके बाद की तीसरा ओवर यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पावर प्ले के दो ओवर में कुछ रन नहीं बने थे, तीसरे ओवर में भी यहाँ पर देखा गया तो केवल मात्र एक चौका लगाया था मंदार के बल्ले से, उसके बाद अब रन संख्या कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन
करंट रन रेट की अगर बात करें तो 7 रन प्रति ओवर है। अब यहां से गियर को शिफ्ट करने की जरूरत है, ट्रेन पटरी पर है, अब कहीं ना कहीं पर स्पीड अप करने की जरूरत है। आने वाली 18 गेंदों का खेल शेष है, क्या यहां से रन बना पाएंगे या तो गेंदबाज बल्लेबाजों को जकड़ कर रखेंगे। बहुत सारे सवाल मन में गूंज रहे, उन सवालों के जवाब देने की जरूरत है। चलते ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे चल रहे मजन में लांबाड़ी, उन्होंने आज के दिन में बहुत प्रभावित किया है। इसके पहले की दूसरा ओवर डाला था पावर प्ले में, वहां पर काफी शानदार गेंदबाजी रही थी। अब चलते ओवर के लिए इनके ऊपर विश्वास जता है। क्षेत्र रक्षण में बदलाव है, फील्डिंग में बदलाव है, स्ट्राइकिंग गेंद पर फिर से एक बार नंबर 9 कर तैयार है। उन्होंने इसी स्टेडियम पर, इसी मैदान में, इसी विकेट पर झेल रख के लगाए थे, क्या ये फिर से एक बार अपने आप को साबित करेंगे। इनके पास क्षमता है और साबित करने की जरूरत है। 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। मुजम्मिल लांबाड़ी पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे, वहां पर उन्होंने एक विकेट लपका था, एक विकेट उनको मिला था। अब यहां से कुछ अलग करने की कोशिश जरूर होगी। मंदार मुजम्मिल के ओर अगेंस्ट इस समय खेलते हुए फील्डिंग वाली गेंद पर किया तो सेम मिड विकेट में खेला, वहां पर फील्डर ने काफी तेजी से गेंद को रोका, एक रन मिलता था। एक रन के साथ स्कोर में बढ़त रन संख्या के साथ अब आगे निकलते हुए कुल मिलाकर 22 रन। एक बड़ी टूर्नामेंट है, श्री समर्थ चषक युवा स्पोर्ट्स एक बड़ा नाम है, एक बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है। कभी पिछले कई सालों से रत्नागिरी के क्रीड़ा क्षेत्र में युवा स्पोर्ट्स एक बड़ा ब्रांड है और उन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। श्री समर्थ चषक 2022 का ये टूर्नामेंट है। प्रवीण दत्ता पवार यहाँ पर मौजूद है, उनका ये ब्रांड है। इनसाइड आउट के अलावा पर बॉलर मौजूद है, क्या गेंद को रोक पाएंगे। उनके ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए मिल गई दरार, 2 रन 4 चौवा तबा गेंद शिफ्ट किया है, क्या इस समय मोमेंटम को शिफ्ट कर सकते हैं। जरूरत है, अपने आप को साबित करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से बैटल जा रही है, फिर से उठाकर खेलने का प्रयास था, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, टिप्पा खाने के बाद गेंद जीरो विकेट विकेट कीपर की दस्ताने में बिंदी के रूप में, इसके पहले की गेंद पर चल रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं पर आगे गेंद डाली, वो गेंद बिंदी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पर वेरिएशन दिखा रहे, कुछ अलग करना चाहते और वो अलग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मुजम्मिल लांबाड़ी छा गए, वाह भाई वाह, काबिल तारीफ इनकी गेंदबाजी है। फिर सामने की दिशा से खेला, डांसिंग डाउन विकेट से गेंद को खेला है। दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, गणेश फड़के ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, वो असफल है, उसके बाद की बैकअप अच्छा था। फील्डर मौजूद हो चुके थे, बासित वहां पर मौजूद हो चुके थे, बासित बत्ती वाले थे, उन्होंने गेंद को रोका। इसके बाद की नेक्स्ट मैच का टॉस यहां पर होगा, फिर से एक बार आखिरी विनती है, इसके बाद की तीन उल्टी होगी। हरे बल्ले से गेंद को खेला, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाते हुए नागेश इस समय गेंद के ऊपर आ रहे, इस समय उन्होंने गेंद को रोका है, सिंगल मिलती हुई, सिंगल के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन, 88 रन का लक्ष्य जकड़ कर रखा है। लगाम लगाया गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को, जिस प्रकार से बल्ले से रन नहीं बन रहे, दबाव है महसूस कर रहे, लेकिन इस समय अपने आप को साबित करने की जरूरत है। मैदान में सब कुछ अच्छा है, डीजे चल रहा है, डीजे वाला बाबू का गाना भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रन बनाने की जरूरत है, क्या रन बना पाएंगे। मुजम्मिल ईश्वर के अगले गेंद करेंगे, उड़ाकर खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग है, विकेट कीपर का सहारा मिलता हुआ और यहां पर विकेट गिरता हुआ, विकेट का पतन होता हुआ। मिलाकर अब तक 29 रन, 88 रनों का लक्ष्य शुभम, शुभम नामरे फिर से बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, पहली गेंद थी काफी शानदार तरीके से गेंद को डिलीवर किया, टिप्पा करने के बाद गेंद जरे विकेट के पर के दस्ते में, इसके बाद की तेजा स्पोर्ट्स और उनके क्लब में टीम रहेगी, लक्ष्मीकांत भाटे के बीच में मैच होगा। एक तरफ की तेजा स्पोर्ट्स की टीम
यानंतर दल्लीका बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा मिलता बा और एक विकेट का पतन विकेट नंबर चार यहाँ पर गिरता बा। बीच मैदान में राकेश गावरे मौजूद हो चुके हैं। शिवम अमरेकेश्वर के अगले गेंद ये गेंद भी जल में डालना चाहते थे। यॉर्कर वाली गेंद बॉकल में डालना चाहते थे, बॉकल में गेंद थी उसको हल्के हाथों से सही नसीहत दी। एक रन मिलता था मैदान में, ये वहां पर फील्डर मौजूद थे। मजन मिलने गेंद को उठाया तब तक एक रन मिलता था। एक रन के सवाल रन संख्या आगे निकलती हुई कुल मिलाकर 30 रन 88 रनों का लक्ष्य। इस टूर्नामेंट का ये पहला दिन है, पहले दिन का ये आज का चौथा मैच यहाँ पर जारी है। इसके बाद के और तीन मैचेस यहाँ पर होंगे। जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, जकड़ कर रखा है, हर एक गेंदबाज ने अपना रोल काफी शानदार तरीके से पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं
रहा है। प्रवीण जी पवार साहब यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नेक्स्ट मैच का टॉस हो रहा है, तो उस मैच का टॉस यहाँ पर जीता है। टॉस का बॉस कौन है रे जिंकला? तेजा स्पोर्ट्स ने यहाँ पर टॉस जीता, हालांकि उनका डिसीजन अभी भी मैच को जीता है वेल प्लेयर चैंप और उसके बाद की यह मैच यहाँ पर समाप्त हो रहा है। चलते हैं बीच मैदान में प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। अगर देखा जाए बीच मैदान से प्रेजेंटेशन बॉक्स में चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी इसके बाद की पारी को आरंभ करें। तो मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं इस मैच के मुजम्मिल ने अच्छी काफी अच्छी गेंदबाजी की है। उसके बाद की बल्लेबाजी भी उन्होंने काफी अच्छी की है। उन्होंने बल्लेबाजी करते समय कुछ गेंदें फेंस की थी, 9 गेंदें 20 रनों का योगदान दिया था। उसके बाद 2 ओवर उन्होंने डाले, 14 रन उन्होंने खर्च किए थे, उसके बाद की 1 रन उन्होंने खर्च किया था। तो मैच के मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं मुजम्मिल लांबाड़ी मैन फ्रॉम अजीत 11। तो मुजम्मिल से हम विनती करना चाहेंगे जल्दी जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाइए। प्रवीण जी पवार सबसे मैं विनती करना चाहूंगा कि जल्दी जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंच जाओ। धन्यवाद।